दोस्तों ये है के थर्टी गेम का टू बैक गेम, खेलेगी अपना। ये गेम जाएगा जंक्शन ओवल मेलबर्न में अगर बात करें स्टार्स की तो चार डिफीट इना रो लेकर आ रही है इस वक्त पिछले गेम में ऐसी पोजिशन से हारी जहां से जीतना चाहिए था उन्हें उन्हें सेवेंटी और कुछ रन बना रहे थे थर्टीन ओवर्स में एंड आठ विकेट बची थी इनके पास करंटली सेकेंड लास्ट पोजिशन पे है चार पॉइंट है नौ गेम्स में रेनिगेट्स की बात करें तो अब सात गेम्स इन इना रो हार कर आ रहे हैं एंड बार बार सेम मिस्टेक करते हैं पावर प्ले में हमेशा काफी ज्यादा विकेट्स खो देते हैं इस वक्त लास्ट स्पॉट पे है पॉइंट टेबल में केवल एक ही गेम जीते हैं तो केवल दो ही पॉइंट है नौ गेम्स में से हेड टू हेड अगर की बात करें तो स्टार्स ने दोनों गेम्स जीते थे पिछले सीजन में बट ओवरऑल रेनिगेट्स लीड कर रही है बाय एट टू सिक्स इस सीजन में पहली बार ये दोनों टीम्स आमने सामने खेलते हुए दिखेंगे चलते हैं दोस्तों प्रोबेबल प्लेइंग इलेवन की तरफ तो पहले बात करते हैं मेलबर्न स्टार्स के प्लेइंग इलेवन का तो यहाँ खेलते हुए देखेंगी सोफिया डंकली मेग लैनिंग इनकी कैप्टन एलिस कैप्सी एनबल सदरलैंड माया बाउचर निकोल फैल्टम विकेट कीपर किम गार्थ रिस मैकेना मेलिनी मिली इलेबर्थ और सोफी डे अगर इनके लास्ट मैच की मैं बात करूं तो परफॉर्मेंसेज में स्टार्स की तरफ से कैप्सी ने ही सबसे ज्यादा रन बनाए थे सिडनी थंडर से हारे थे ये लोग सोफी डे ने फोरफर लिया था उससे पहले वाले मैच में भी फाइव फर लेकर आ रही है सदरलैंड ने और मैकेना ने दोनों ने थ्री फर सी फर निकाला था लास्ट मैच में, में। मेलबर्न रेडिग्स के प्रॉबेबल प्लेइंग इलेवन की बात करें तो खेलते हुए देखेंगे इनकी कैप्टन हेली मैथ्यू स्टैमी ब्यूमॉन हरमनप्रीत कौर जॉर्जिया वहराम जेस डफिन कॉर्टनी वेब जोजी डूलिन की विकेट कीपर कोइट, जॉर्जिया प्रेसविच एला हेवर्ड और सारा कैनेडी ये अपना लास्ट मैच हार कर आ रहे हैं पॉच क्वार्टचर से एक भी विकेट नहीं निकाल पाए थे दस विकेट से हार गए थे मोनी और डिवाइन ने ही सारे रन चेस कर लिए थे बैटिंग की अगर बात करें तो वह हाफ सेंचुरी बनाई थी 57 पे नॉट आउट रही थी अब चलेंगे वेन्यू एनालिसिस पे तो जैसे मैंने बताया ये गेम खेला जाएगा जंक्शन ओवल मेलबर्न में जहां पे एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर लास्ट फाइव गेम्स में देखा गया 155 फिफ्टी फाइव का टीम बैटिंग फर्स्ट का प्योर डोमिनेंस रहा है लास्ट सेवन में से पांच गेम्स जीती है तो टॉस जीत के टीम्स पहले बैटिंग करना चाहेंगी पेस पेसवर्स स्पिन की बात करें तो स्पिनर्स ने थर्टी विकेट्स निकाली है पेसर्स ने ट्वेंटी विकेट्स निकाली लास्ट फाइव गेम्स में यहाँ पे इसके अलावा आप लोग हमारा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करना मत भूलेगा एग्जैक्ट पिच रिपोर्ट और कंडीशन हम वहां बता देते हैं आपको अलोंग विध सीवीसी पिक्स और हम ग्रैंड लीग पिक्स भी देते हैं जो कि काफी यूजफुल हो सकती है आप लोगों के लिए ग्रैंड लीग जीतने में इसके अलावा ऐसे इनसाइट्स भी देते हैं जो भी काफी यूजफुल हो सकते हैं टीम बनाने अब चलेंगे दोस्तों रिकॉर्ड इन टी की तरफ इस साल तो पहले देखते हैं मेलबर्न स्टार्स के बैटर्स का रिकॉर्ड तो यहाँ पे सबसे ज्यादा रन बनाया है सोफिया डंकली ने नाइन ट्वेंटी बना चुकी है फोर्टी इनिंग्स में सात बारी हाफ सेंचुरी लगा चुकी है एलिस ने है 853 रन्स 40 इनिंग्स में मैग्लैनिंग बना चुके हैं 32 की एवरेज से 733 रन्स 27 इनिंग्स में माय बाउचर ने बनाए हैं 714 रन्स 31 की इनिंग्स में बात करें इनकी बोलर्स की तो एनेबल सदरलैंड ने सबसे ज्यादा विकेट्स निकाली हैं 22 विकेट्स निकाल चुकी है 22 इनिंग्स में ही स्ट्राइक रेट है 20 से भी कम का सोफी डेन ने निकाली हैं 18 विकेट्स केवल 9 मैचेस में स्ट्राइक रेट है ब्रिलियंट 10 का किम गार्ड्स निकाल चुकी हैं एटीन विकेट्स एटीन इनिंग्स में एलिस कैप्सी ने निकाली है इनिंग्स में एंड वहीं सोफिया टंकली ने निकाली है फिफ्टीन विकेट्स थर्टीन इनिंग्स में मेलबर्न एनिगेस के बैटर्स की बात करें तो हेली मैथ्यूज ने बनाया है सिक्सटी हंड्रेड एंड सिक्सटी रन इस साल टी ट्वेंटीज में थर्टी सेवन की एवरेज से दो सेंचुरी लगाई है आठ बारी हाफ सेंचुरी लगाई है बट इस सीजन में बैटिंग से अनफॉर्चुनेटली अभी तक वो कुछ परफॉर्म नहीं कर पाए हैं हरमनप्रीत कौर होंगी नेक्स्ट जिन्होंने 33 थ्री की एवरेज से 936 हंड्रेड एंड थर्टी सिक्स रन बनाया है थर्टी सिक्स ही इनिंग्स में टैमी ब्यूमन बना चुकी हैं 780 एटी रन ट्वेंटी इनिंग्स में एक सेंचुरी लगा चुकी हैं एक हाफ सेंचुरी जॉर्जा वैरम ने 35 फाइव की एवरेज से बनाया है 450 फिफ्टी रन ट्वेंटी इनिंग्स में अब रेलिगेट्स के बोल में तो हेली मैथ्यूज ने ही निकाली है सबसे ज्यादा विकेट सिक्सटी फोर विकेट्स निकाल चुके हैं फोर्टी इनिंग्स में स्ट्राइक रेट है केवल फोर्टीन का जॉर्जे वेरम ने

मतलब तीन चार पांच या दस मेंबर कॉन्टेस्ट ही खेलने हैं एंड आपको एक लीग पकड़ के चलनी है उसके सारे मैचेस खेलने हैं रैंडम मैचेस प्लीज मत खेलिएगा कि आज आपने वर्ल्ड कप खेला कल डब्ल्यू खेला परसों एमिर खेला आपको जो भी लीग पसंद है वो पकड़ के चलो उसके सारे मैचेस खेलो एंड तभी आप असेस कर पाओगे किसी भी इन्फ्लुएंसर की टीम आपके लिए कैसी जा रही है इसके अलावा सेम इन्वेस्टमेंट रखेंगे आपको पर मैच में एंड आपका एम होना चाहिए कि आप फोर्टी से फिफ्टी मैचेस जीते हंड्रेड परसेंट विनिंग्स कहीं भी पॉसिबल नहीं है बट अगर आप फोर्टी से फिफ्टी परसेंट मैचेस जीतने में सक्सेसफुल रहते हैं तो आप डेफिनेटली प्रॉफिटेबल रहेंगे अब चलेंगे बेस टीम की तरफ तो विकेट कीपिंग सेक्शन में अभी हमने किसी को नहीं रखा है जो भी टीम पहले बैटिंग करेगी आप उसके विकेट कीपर के साथ जा सकते हैं बैटिंग सेक्शन में हमने यहाँ पे पहले लिया है मेलबर्न रेडीगेट्स की नंबर चार पे आने वाली हरमनप्रीत कौर को अगर हेड टू हेड गेम्स की बात करें तो अभी तक केवल एक ही बार आउट हुई है एंड हंड्रेड रन बना चुकी है इसके साथ साथ दस विकेट्स भी ले चुकी है डिसेंट ऑलराउंड है पिछले पांच आउटिंग्स में इस वेन्यू पर भी पांच इनिंग्स में इन्होंने 105 सौ पांच रन्स बनाए हैं पांच विकेट्स भी निकाली है मैचअप्स की बात करें तो 22 के एवरेज रन बनाए स्टार बोलर्स के अगेंस्ट इसमें एनेबल सदरलैंडर ने परेशान किया है तीन बार इनका विकेट निकाल चुकी है नेक्स्ट होंगी टेमी ब्यूमॉन मेलबर्न रनेगे इसकी ओपनर इनकी अगर बात करें पिछली पांच आउटिंग्स की इस वेन्यू पे जो कि इसी सीजन में आई है उसमें इन्होंने ऑलमोस्ट 34 के की एवरेज से बनाया है वन सिक्सटी एट रन एंड इस वेन्यू पे पिछली पांच आउटिंग्स में से चार मई तीस से ऊपर रन बनाकर आ रही है कंसिस्टेंटली अमंग अगजर रन रही है पिछले तेरह आउटिंग्स में थर्टी की एवरेज से बनाया है फोर हंड्रेड एंड जो लास्ट होगी वो होगी मेलबर्न स्टार्स की ओपनर मेकलानी एक्सेप्शन रही है हेड टू हेड गेम्स में ग्यारह इनिंग्स में फिफ्टी वन की एवरेज से बनाया है चार सौ से ऊपर रन्स एंड सेम गोज फॉर वेन्यू रिकॉर्ड ऑल्सो पचास की एवरेज से रन बनाया है फाइव हंड्रेड एंड नाइन्टी सेवन रन क्लोज टू सिक्स हंड्रेड रन बना चुकी हैं इस वेन्यू पे मैचअप्स की बात करें तो मैचअप्स भी अच्छे हैं फोर्टी एट की एवरेज से रन बनाया है रेने के बोलर्स के अगेंस्ट तो इनका हेड टू हेड रिकॉर्ड वेन्यू रिकॉर्ड और मैचअप्स तीनों की बहुत बढ़िया है ऑलराउंडर सेक्शन की बात करें तो पहली पिक हमारी रहेगी मेलबर्न स्टार्स की एनाबल सदरलैंड एक्सीलेंट रही है पिछले चार आउटिंग्स में इस वेन्यू पे रन भी बनाए हैं विकेट्स भी निकाली नाटी वन की एवरेज से वन ट्वेंटी टू रन बनाए हैं सात विकेट्स निकाली है पिछले सीजन में दोनों जो हेड टू हेड गेम्स हुए थे प्लेयर ऑफ द मैच परफॉर्मेंस दिया था दोनों में ही टोटल हंड्रेड एंड फोर रन बनाए थे एंड सिक्स विकेट्स निकाली थी एंड सबसे ज्यादा विकेट्स इस सीजन में बाय एनी राइटा मीडियम पेसर निकाली है एनाबेल सदरलैंड ने पंद्रह विकेट्स ऑलरेडी निकाल चुकी है एंड बात करें इनके मैचअप्स के तो इन्होंने बैटिंग मैचअप की अगर मैं बात करूं तो 109 सौ नौ रन बनाया है इन्होंने 36 की एवरेज से रेनिगेट के बोलर्स के अगेंस्ट एक काफी अच्छी कैप्टनसी ऑप्शन भी रहेंगी नेक्स्ट होंगी मेलबर्न स्टार्स की ऑफ स्पिनर एलिस कैप्सी अगर इनकी बात करें हम पिछली दो आउटिंग्स की इस वेन्यू पे इसी सीजन में तो फिफ्टी सिक्स इन्होंने बनाए हैं चार विकेट्स भी निकाली हैं एंड स्टार्ट इन ए विद बैट ऑलमोस्ट हर गेम में मिली है इस सीजन में एंड गुड ऑलराउंड एग्रीगेस रहे हैं पिछले सात आउटिंग्स में इन्होंने वन सेवेंटी सिक्स रन बनाए हैं सात विकेट्स निकाली हैं मैचअप की बात करें तो अभी तक 54 फोर रन ही है, के के है, है एवरेज है, है पांच का अगर आप यहां देखोगे रेडीगेट बैटर्स का स्ट्रगल टू ऑफ स्पिन तो, तो स्ट्रगल किया है टैमी ब्यूमोन को छोड़ के जॉर्जिया वेरहाम को छोड़ के बाकी सब ने कोटनी वेब सात इनिंग्स में से दो बार ही आउट हुई है हरमनप्रीत कौर भी उन्नीस इनिंग्स में से पांच बार आउट हो चुकी है మే 10 ఇన్నింగ్స్ మిస్సే 2 బారి అవుట్ హయలీ మాథ్యూ సబ్సే జదా ఆఫ్ స్పిన్ పై అవుట్ హయీ 28 ఇన్నింగ్స్ మేసే 11 బారి అవుట్ హో చుకీ హై నెక్స్ట్ ఆయంగీ హయలీ మాథ్యూ జీ మెల్బెన్ రెడిగేట్స్ కి ఓపెనర్ 9 వికెట్స్ నికాలియీ పీచ్లే 7 హెడ్ టు ఏ డౌటింగ్స్ మే అబి తక్ అండ్ స్టార్స్ ఏక్ లాతి టీమ్ హై ఇస్ కాంపిటీషన్ మే జిస్మే హయలీ మాథ్యూస్ నే 23 కి అవరేజ్ సే ఉప్పర్ రన్స్ బనాయే హై 29 కి అవరేజ్ విత్ బనా చుకీ హై 11 ఇన్నింగ్స్ మే 291 రన్స్ క్లోజ్ టు 300 రన్స్ బనా చుకీ హై ఇన్ కేగాస్ట్ बोलिंग मैचअप की बात करें तो स्टार्स के टॉप सेवन के अगेंस्ट ग्यारह विकेट्स इन्होंने निकाली है बैटिंग मैचअप में पांच बारी आउट हुई है बट थर्टी फोर की एवरेज से बनाए हैं वन सिक्सटी एट रन अगर आप यहां देखोगे स्टार्स बैटर्स को स्ट्रगल टू ऑफ स्पिन इस साल तो यहाँ पे आप देखोगे की एलिस कैप्सी को छोड़ के किम गार्ड तो माया बाउचर को छोड़ के बाकी सब ने स्ट्रगल किया है एनबी सदरन बारह इनिंग्स में से तीन बारी आउट हुई है माया बाउचर ग्यारह इनिंग्स में से दो बारी मेगलैनिंग उन्नीस इनिंग्स में से पांच बारी आउट हो चुकी है वहीं निकोल फैल्टम नौ इनिंग्स में से तीन बार एंड सोफिया डंकली तेरह इनिंग्स में से पांच बारी आउट हुई है टू ऑफ स्पिन लास्ट जो पिक रहेगी ऑलराउंडर सेक्शन में वो होगी मेलबर्न रेनेगेट्स की जॉर्जिया वैरम टॉप स्कोर थी रेनेगेट्स के लिए पिछले गेम में जैसे मैंने बताया अपना करियर बेस्ट स्कोर बनाया उन्होंने फिफ्टी सेवन नॉट आउट का एंड पिछले चार है ट्वेट आउटिंग्स में चार विकेट्स भी निकाल चुकी है पिछली छह आउटिंग्स में वेन्यू पे बात करें कंसिस्टेंटली विकेट्स रही है दस विकेट्स टोटल निकाल चुकी है स्ट्राइक रे ट्राई केवल थर्टीन का एंड स्टार बैटर्स भी स्ट्रगल करते हैं टू लेग ब्रेक बोलिंग यहाँ पे आप देख सकते हो अपार्ट फ्रॉम निकोल फैल्टम एंड एनबे सदरल बाकी सब ने स्ट्रगल किया है एलिस कैप्सी बारह इनिंग्स में से पांच बार लेग ब्रेक पे आउट हो चुकी है एवरेज है केवल बारह का वही किम गार्ड पांच इनिंग्स में से दो बार आउट हो चुकी है माया बाउचर सात इनिंग्स में से चार बार आउट हो चुकी है एंड सोफिया डकली भी सात इनिंग्स में से दो बार आउट हो चुकी है एक बहुत ही अच्छी सेफ कैप्टनसी पिक बन जाती है इस गेम के लिए इसके अलावा जो हमारे पास ऑलराउंडर बचती है वो है किम गार्ट उनको हम फिट नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपको यहाँ तीन बैटर्स और तीन बोलर्स लेकर जाने ही पड़ेंगे बट ऐसे प्लेटफॉर्म जहां पे आप टेनिस टू वन खेल रहे हो वहां पे आप पांचों ऑलराउंडर्स लोड कर सकते हो और आप किसी बैटर को ड्रॉप कर सकते हो किम गार्ड वैसे पिछले कुछ तीन से चार गेम्स में विकेट्स भी नहीं निकाल रही हैं तो यहाँ पे नाउ हम बेस टीम में अपने चार ऑलराउंडर्स ही लेकर जाएंगे बोलिंग सेक्शन की बेस्ट टीम में बात करें तो पहली होगी मेलबर्न स्टार्स के लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बोलर सोफी डे लीडिंग विकेट टेकर है इस सीजन में 18 विकेट्स निकाल चुकी हैं जिसमें से नौ विकेट्स इनके लास्ट दो मैचेस में ही आई हैं बात करें इनके चार विकेट हॉल की जो पिछले मैच में आया था वो सेम वेन्यू पे आया था जब स्कॉच के अगेंस्ट खेली थी थोड़े टाइम पहले एंड इनके हेड टू हेड की बात करें तो पिछले चार आउटिंग्स में छह विकेट्स ये निकाल चुकी हैं दूसरी होगी मेलबर्न रेनिग्स की राइट आर्म मीडियम पेसर सैरा क्वेट चार विकेट्स निकाली पिछले दो हेड हेड टू गेम्स में जो लास्ट सीजन में हुए थे एंड टेरिफिक ओवरऑल रिकॉर्ड भी है चौदह इनिंग्स में चौदह विकेट्स निकाल चुकी हैं इसके अलावा वेन्यू रिकॉर्ड की बात करें तो पिछले छह आउटिंग्स में ये आठ विकेट्स निकाल कर आ रही है इतना खास नहीं है केवल चार विकेट्स ही उनके अगेंस्ट निकाल पाई तो दोस्तों ये बन गई हमारी बेस टीम जहां विकेट कीपिंग सेक्शन हम बाद में लेकर जाएंगे बट बैटिंग सेक्शन में यहाँ पे रहेगी हरमनप्रीत कौर टैमी ब्यूमॉन्ट और हम लेकर जाएंगे मेग को ऑलराउंडर सेक्शन में एनेबल सदर एलिस कैप्सी हेली मैथ्यूज और जॉर्ज हैरम बोलिंग सेक्शन में रहेगी सोफी डे और सेरा क्वंट अब अगर बात करें सिनेरियो वाइज तो अगर रेनेगेट्स पहले बैटिंग कर रही है तो जैसे मैंने बताया जो भी टीम पहले बैटिंग कर रही है आप उसके विकेट कीपर के साथ जाएंगे तो यहाँ पे हम जाएंगे जोजी डूली के साथ जो कि है मेलबर्न रेनिगेट्स के विकेट कीपर रेनिगेट्स के लिए परफेक्ट फिट है क्योंकि बैटिंग फर्स्ट करते हुए इन्होंने काफी विकेट्स खोए हैं परफेक्ट फिट रहेगी जब रेनिगेट्स पहले बैटिंग कर रही है क्योंकि जैसे मैंने आपको ऊपर बताया पावर प्ले में काफी विकेट्स खोते आ रहे हैं रेनिगेट्स तो इनकी बैटिंग आने के काफी ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं बात करें इनके पिछले दो हेड टू हेड आउटिंग्स की तो 90 रन इन्होंने बनाए हैं जो इनका करियर बेस्ट था 54 वो लास्ट सीजन इन्हीं के अगेंस्ट आया था एंड इनके वेन्यू रिकॉर्ड की बात करें तो 27 के की एवरेज यहाँ पे 189 एटी बना चुकी है बैटिंग सेक्शन हमारा ऑलरेडी फुल है ऑलराउंडर सेक्शन भी ऑलरेडी फुल है बोलिंग की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो अपार्ट फ्रॉम सोफी एंडराट हम यहाँ लेके जाएंगे मेलबर्न स्टार्स की रीस में कहना को लास्ट गेम में पहली बारी इस सीजन में फुल कोट ऑफ ओवर्स डाले अपने एंड वी आर एक्सपेक्टिंग इस गेम में भी फुल कोट ऑफ ओवर्स डालते हुए दिखेंगी ब्रिलियंट फिगर्स था अठारह रन ये एवर और तीन विकेट्स भी निकाली इन्होंने इसके अलावा रन से भी कॉन्ट्रीब्यूट करने की क्षमता रखती है नंबर सात या आठ पर आती है एंड नंबर छह पे भी बैटिंग करते हुए दिखी है कपल ऑफ टाइम्स इन दिस सीजन तो दोनों बैटिंग बॉलिंग से कॉन्ट्रीब्यूट ये कर सकती है तो ये बन गई हमारी टीम अगर रेनेगेट्स पहले बैटिंग कर रही है तो विकेट कीपिंग सेक्शन में जोजी डूली बैटिंग सेक्शन में हरमनप्रीत कौर टैमी ब्यूमन मेघलानी ऑलराउंडर सेक्शन में एनेबल सदरिस कैप्सी हेली मैथ्यूज जॉर्जिया वहरम और बोलिंग सेक्शन में रहेगी सोफी डे सैरा कॉर्ट और बीस मेकेंड अब अगर मैं बात करूं रेनगेट्स पहले बोलिंग कर रही है तो यहाँ विकेट कीपिंग सेक्शन में फिर हम जाएंगे मेलबर्न स्टार्स के की विकेट कीपर निकोल फैल्टम के साथ जोजी डूली से थोड़ा ऊपर बैटिंग करते हुए दिखती है ये नंबर छह पे मोस्टली बैटिंग करते हुए दिखती है एंड इस वेन्यू पे अच्छा खेली है थर्टी नाइन की एवरेज से बना चुकी है सेवेंटी सेवन रन वेन्यू पे अगेन बैटिंग सेक्शन ऑलराउंडर सेक्शन ऑलरेडी फुल है बोलिंग सेक्शन में जो थर्ड बोलर हम यहाँ लेके जाएंगे वो गे मेलबर्न रेनगेट्स की जॉर्जिया प्रेसविच पिछला गेम मिस किया था उन्होंने बड़ी बार एक्सपेक्टिंग कि इस गेम में प्लेइंग इलेवन का हिस्सा दिखेंगी पिछले तीन आउटिंग्स की बात करें तो अमंग्स द विकेट्स रही हैं टोटल चार विकेट्स पिछले आउटिंग्स में निकाल कर आ रही हैं 17.5 की एवरेज तो ये बनी हमारी टीम अगर एनेगे पहले बॉलिंग कर रही है तो विकेट कीपिंग सेक्शन में निकोल फैल्टम बैटिंग में कॉर टेमी ब्यूमर मेगलानिंग ऑलराउंडर में एनेबल सदरलैंड एलिस कैप्सी हेली मैथ्यू जॉर्जिया वैरम और बोलिंग सेक्शन में सोफी डे सैराइडर जॉर्जिया प्रेस बात करें दोस्तों अगर आप कैप्टेंसी ऑप्शंस की तो यहाँ पे सेफेस्ट कैप्टेंसी ऑप्शंस आपके लिए रहेंगी मेलबर्न स्टार्स के एनेबल सदरलैंड और मेलबर्न रेनिगेट्स की जॉर्जिया वैरम दोनों ही बैटिंग बॉलिंग से कंट्रीब्यूट कर सकती हैं अगर बात करें हम डिफरेंशियल कैप्टनसी पिक्स की तो हम यहाँ पे जाएंगे मेलबर्न रेनिगेट्स की हेली मैथ्यूज के साथ और दूसरी होगी रेनिगेट्स के ही हरमनप्रीत कौर तो दोस्तों ये था हमारा आज का प्रिव्यू अगर आप लोगों ने व्यूज पोर्ट की आप अभी तक भी डाउनलोड नहीं करी है तो प्लीज जल्दी से कर लेना लिंक आपको मिल जाएगा पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में वहां आपको मिलेगी इस गेम की इंक्लूडिंग एवरी अदर गेम उन सब का फैंटेसी कॉम्बिनेशन लाइनअप आने के बाद एंड सिर्फ क्रिकेट का ही नहीं फुटबॉल में भी मिलेगा इनफैक्ट क्रिकेट में तो आपको दोनों फॉर्मेट में मिलेगा सेवन एस टू फोर और टेन इज टू वन में मैं जल्द मिलूंगी आपसे नेक्स्ट फैंटेसी प्रिव्यू के साथ थैंक यू सो मच